हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मैंने प्यार किया है से किया था और वे आज के समय बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। 30 सालों से ज़्यादा की फिल्मी करियर में सलमान खान ने कई बेहतरीन फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। वही फिल्मों की बात की जाए तो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने आज तक कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है फिल्म बॉडीगार्ड। दोस्तों सलमान खान की यह फिल्म एक ऐसी बॉडीगार्ड की कहानी थी जिसको अपने काम से बहुत ही प्यार होता है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर भी थी, जिनका बॉडीगार्ड का रोल सलमान खान ने निभाया था। सलमान खान की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के करीब का कलेक्शन किया था, जबकि इस फिल्म का बजट सिर्फ 60 करोड़ के करीब रहा था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। नंबर 9 पर है फिल्म दबंग 2। दोस्तों फिल्म दबंग 2 साल 2010 में आई दबंग का दूसरा पार्ट है, जिसे 21 दिसंबर सन 2012 को रिलीज किया गया था। एक्शन और कॉमेडी पर आधारित इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 265 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने लीड रोल प्ले किया था और इस फिल्म को दर्शकों की ओर से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। नंबर 8 पर है रेस 3। 2018 में ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की रेस 3 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रेमो डिसूजा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में सलमान खान है। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह और शकीब सलीम नजर आते हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का कारोबार किया था और इस फिल्म का बजट करीब 170 करोड़ रुपया था, जिसके कारण इस फिल्म को एक एवरेज फिल्म करार दिया गया और इस फिल्म को दर्शकों की ओर से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और IMDb की तरफ से भी इसे 1.9 का बहुत ही खराब रेटिंग दिया गया था। नंबर 7 पर है एक था टाइगर। दोस्तों इस फिल्म में सलमान खान और करीना कैफ की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। 2012 में आई यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म के अंदर करीना कैफ की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। कमाई के मामले में भी यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ रुपये कमाए और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 6 पर है फिल्म भारत। 2019 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म भारत एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। फिल्म के नाम को सुनकर ही दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यह पहले दिन की कमाई से ही पता चलता है, क्योंकि पहले ही दिन इस फिल्म ने 42 करोड़ 30 लाख रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। वही फिल्म ने लाइफ टाइम 321 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। नंबर 5 पर है फिल्म किक। साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी फिल्म किक ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। 2014 में आई इस फिल्म ने कुल 378 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आई थी। सलमान खान की यह फिल्म सेम इसी नाम की तेलुगु फिल्म की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान को डेविल की भूमिका में दिखाया गया था। नंबर 4 फिल्म प्रेम रतन धन पायो। सलमान खान की फैमिली ड्रामा और पारिवारिक कहानी ऐसे तो कम ही देखने को मिलती है। सोनम कपूर के साथ डबल रोल में सलमान खान ने प्रेम रतन धन पायो में काम किया था। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 408 करोड़ 85 लाख रुपए के करीब की कमाई की थी। फिल्म प्रेम रतन धन पायो का बजट 104 करोड़ के करीब रहा है। नंबर 3 टाइगर जिंदा है। 2017 में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर कुल 558 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म एक था टाइगर की अगली कड़ी थी। इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। नंबर 2 पर है फिल्म सुल्तान। सलमान खान की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सुल्तान दूसरे स्थान पर है। पहलवान सुल्तान अली खान के वास्तविक जीवन पर आधारित फिल्म सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 607 करोड़ 84 लाख रुपए की कमाई की थी। 2016 में रिलीज हुई फिल्म सुल्तान को अली अब्बास जफर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा भी अहम भूमिका में नजर आई थी। नंबर 1 पर है बजरंगी भाईजान। दोस्तों सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में बजरंगी भाईजान पहले स्थान पर है। 2015 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान दर्शकों को ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई। 27 करोड़ 25 लाख रुपए की ओपनिंग लेने वाली बजरंगी भाईजान ने कुल 922 करोड़ 17 लाख रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म की कहानी बजरंगी और मुन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि बजरंगी, जो कि बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, और वे अपने परिवार से बिछड़ चुके मुन्नी को उसके परिवार से मिलाने का बीड़ा उठाते हैं। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में नजर आते हैं। इसके अलावा करीना कपूर, हर्ष अली मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको सलमान खान की इन 10 फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी इस तरह के रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।